अल्लाम अज़ीज़ तालबिल्मी के अमद आपकी ख़िदमत में हाजिर है चायल्ड डेवलपमेंट कोर्स के साथ आज का अनवान उस तसलसल तो की एक कड़ी है जिसमें हमने पहले बच्चों में जहनी बीमारियों के बारे में देखा और उनके बारे में समझने की कोशिश की ये बीमारियाँ जिनकी वजूहत बुनियादी तौर पर हैतियाती या जीनीती थी बायोलॉजिकल या जैनेटिक थी आज हमारी तो है इन जहनी बीमारियों की या उन जहनी बीमारियों के ऊपर है जिन जो माहौल की वजह से पैदा होती हैं हम आज देखेंगे कि बच्चों में आ, अग्रेशन उलझने की जो कैफियत है या उलझने वाला किरदार जो है वो कैसे पैदा हो जाता है ये एक तरह से एक जंगजू किरदार होता है जो जो बच्चों में पैदा हो जाता है जिसमें वो दूसरे के साथ आ, दूसरे को आ, किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की जिस्मानी या जज्बाती या रूहानी या नफसियाती नुकसान पहुँचाने के लिए पेशा होते हैं ये क्यों पैदा हो जाता है इसके नतीजे में कौन कौन से और डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होते हैं मसला बिहेवियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं या कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर बच्चे का बर्ताव जो है वो आदाब से हटकर ऐसी ऐसे बिहेवियर्स की तरफ मायल हो जाता है जो किसी न किसी सूरत से किसी और के लिए नुकसान का बायस बनते हैं सो so, आज का जो है वो इस तरह से हट के है कि हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बजाय इन्वामेंटल फैक्टर्स की तरफ तवज्जो देंगे देखने के लिए कि कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे को इन मुश्किलात या इन बीमारियों में फंसा देते हैं और उसके नतीजे में बहुत सारी और मुश्किल जो हैं वो पैदा हो जाती हैं आज के मौजू में और औरवान में जो हम देखेंगे उसका एक छोटा सा जायजा कुछ इस तरह से है कि हम मुख्तलिफ़ के बीमारियों को ख़ास कर ऐसी बीमारियों के जिनके अंदर उलझाओ या उनमें तंदी ऐसे पैदा हुई हो कि बच्चा जो है वो किसी न किसी तौर से किसी और को तकलीफ़ पहुँचाने की के लिए मायल हो जिसके नतीजे में बच्चा जो है वो बहुत सारी शख्सियाती और आ, और माहौली कैफियात में से गुज़र कर ऐसा रवैया अख्तियार या ऐसा बर्ताव इख्तियार कर लेता है जो काबिल कबूल नहीं होता माशरती तौर तो पर कम अज़ कम काबिल कबूल नहीं होता जिसके नतीजे में लोग ऐसे शख़्स को या ऐसे बच्चे को अमूमा बुरा ठहराते हैं और, और और बुरा समझते हैं जिसके नतीजे में वो बच्चा जो है बहुत सारी मुश्किल का हामिल होता है हम हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन आ, आ, इन बीमारियों में जिसके अंदर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स जो बर्ताव बुरे बर्ताव की के बायस बच्चों में पैदा हो जाते हैं या ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स जो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स की अवलिन शक्ल है और ालबन कुछ माहरीन का यह ख्याल है कि वो अवलिन शक्ल है उनके बारे में उनकी अलामत के बारे में हम बहस करेंगे और हम बहस करेंगे कि क्या मुमकिन तरीके हो सकते हैं इलाज के कि जिसकी वजह से ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स या ये बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स जो हैं बच्चों में इसी तौर पे कम हो सके तो आइए रिव्यू करते हैं अपने आ, दो सवालों को और देखते हैं कि ये दो सवाल हमें किस तरफ़ ले जाएंगे हमारा रुख जो है वो इस तरफ है कि हम उन मालियातीनासर की तरफ तोज्जो दें कि जिनकी वजह से बच्चों के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कुछ इस तरह के होते हैं कि इनमें अमूमन रवैया या बर्ताव दूसरों के साथ जो है वो मनफी हो जाता है तो हमारा पहला सवाल ये होगा कि ये बीमारियां या ये डिसऑर्डर्स क्यों पैदा हो जाते हैं या किस तरह से पैदा हो जाते हैं दूसरा सवाल ये है कि इनकी आलाम क्या हैं और किस तरह से इनकी तश्स की जा सकती है इनकी वजूहत क्या हैं और आखिर में इनका मुमकिन इलाज जो है वो किस तरह का है तो आइए अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझने वाली है वो है आ, बच्चों में उलझाओ यानी आ, किसी दूसरे के साथ उलझना या, यानी इस इस लफज़ उलझने को मैं एग्रेसिव मानों में लूँगा एग्रेशन के अंदर गुस्सा जो है वो शामिल होता है जब भी आप किसी दूसरे के साथ उलझाओ में मुबतला होते हैं या बच्चा किसी के साथ उलझाव में मुबतला होता है या कोई बड़ा भी किसी के साथ उलझाव में तो उसमें अमूमन ग़ुस्से का अंसर मौजूद होता है जब कभी भी उलझाव में ग़ुस्े का अंसर मौजूद होता है तो इंसान किसी दूसरे को किसी न किसी तौर पर जक पहुँचाता है यानी उसके लिए हार्मफुल हो जाता है ये जख पहुँचाने का अमल जो है जिसमानी हो सकता है मसला मारपीट की सूरत में Uh, हो सकता है लड़ाई की सूरत में हो सकता है जिसमानी लड़ाई की सूरत में हो सकता है ये जक पहुँचाने का अमल जो है नफसियाती या कम्युनिकेशन बेस्ड हो सकता है ज़बान के ज़रिए से हो सकता है जिसके ज़रिए से जो बच्चा है वो किसी दूसरे को ज़बान के ज़ोर पर नुकसान पहुँचा सके या उसका जयाँ कर सके या उसको किसी तरह से नफसियाती तौर पर मजरू कर सके ये तमाम सूरतें जो हैं मौजूद होती हैं सो हम उलझने को और ख़ास ख़ास तौर पे गसिल उलझने को या गसील उलझाओ को हम ये कहेंगे कि ये दरअसल किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने का अमल है और ये एक ऐसा सलूक है जिसमें बच्चा ख़ास तौर पे बढ़ता हुआ बच्चा जो इस चीज़ को सीख रहा है अपने माहौल में वो दूसरों की खैर खा ही नहीं चाहता उनके लिए कोई हमदर्दाना रवैया जो है वो नहीं रखता जिसके नतीजे में उसके ऊपर बहुत सारे और मनफी आ, उसके रुझानत जो हैं वो पैदा हो जाते हैं अमूमन एग्रेसिव बिहेवियर्स जो हैं या ये वसील उझाऊ की सूरतें जो हैं ये माशरती या समाजी होती हैं। अमूमन बच्चे इनको सीखते हैं और अगर शुरू की ज़िंदगी में इंसान का रवैया या इंसान की आ, सोचने का अंदाज़ जो है वो इस इसझाओ पर मबनी हो जाए तो ये उलझाओ ये उसी उलझाव उसकी ज़िंदगी में तवातर से देर तक रहता है और इसको हटाना या इसको बदलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है खासकर जब बच्चा बाल हो जाए कभी कभार मदद के साथ इलाज की सूरत में बच्चों के इस उलझने को कम किया जा सकता है और किसी तरह से इसको कर्टेल किया जिसको रोका जा सकता है इसकी बुनियादी वजह ये है कि चूंकि ये ये बिहेवियर या ये अमल या ये सलूक जो है बच्चे माहौल से सीखते हैं तो चूंकि सीखने का अमल है तो इसको डी लर्न या अनलर्न किया जा सकता है एक और आमोजिश के ज़रिए से वो मनफी रवैया या बिहेवियर निकाला जा सकता है और उसकी जगह मुस्बत रवैया जो उसकी सूरत है उसको डाला जा सकता है सो तो किसी कदर ये कहना दुरुस्त होगा कि कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स और बिहेवियर डिसऑर्डर्स अगर पुख्ता ना हुए हुए हों तो उनको बच्चों के अंदर से रिमूव कर देने का अम्कान जो है वो ज़्यादा होता है बनस्पत इसके कि हमने जैसे बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रखे जिनको हम फंक्शनली मेंटेन कर सकते हैं मगर हमारे लिए उनको रिमूव करना मुमकिन नहीं कम अज़ कम इस वक्त हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली ये मुमकिन नहीं है अमूमन ये अग्रेसिव बिहेवियर्स ये उलझाओ के ऐसे सलूक बच्चों में और बीमारियों के साथ पैदा हो जाते हैं मसलन बच्चे अगर ए से सफ़र करते हैं या बच्चे ऑटिज़म से सफ़र करते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है तो उसके साथ साथ एग्रेसिव बिहेवियर जो है बच्चों के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है एग्रेशन की बहुत सारी वजूहत हैं मसलन एग्रेशन जो है वो सीखा जा सकता है माहौल से सीखा जा अगर आप एग्रेसिव लोगों के आसपास रहेंगे तो एग्रेशन जो है वो सीख रहे बच्चों को अगर ऐसे लोग परवरिश देंगे जो हर वक्त वसील या गुस्से में रहते हों तो बच्चे भी वो गुस्से का बिहेवियर जो है ठीक सीख सीख जाते हैं आम, एग्रेशन की सूरत बायोलॉजिकल भी होती है और बहुत सारी किस्मों के एग्रेस बिहेवियर जो हैं उनको लिस्ट किया जा सकता है जानवरों में एग्रेशन देखा जाता है कि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए दूसरों के साथ लड़ते हैं या झगड़ते हैं अमूमन ये देखने में आया है कि लड़के जो हैं वो ज़्यादा उलझाओ पजीर होते हैं लड़कियों की नस्बत लड़कियाँ जो हैं इतनी उलझाव पजीर नहीं होती और इसकी बुनियादी वजह जो है वो लड़कों के अंदर उनके हार्मोनल सिस्टम्स हैं जो हारमोन्स उनको ट्रिगर करते हैं जो उनको किसी तरह से उन, उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो इस उलझाव में शामिल हो जाएं। फिर और समाजी અ અને આ સરેજ એનજી ની وجہ સે انسان જો હે વો આ ઇસ ઉઝહાઉ કા શિકાર હોતા હૈ યા ઇસ ગુસ્સેવર ઉલઝાવ કા શિકાર હોતા હૈ જિસમે ખાનદાનો મે કુંબો મે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ હો કોઈ નોકરી મોજૂદ ના હો તો લોગ જો હે વો આપસ મે લડતે ભડતે રહેતે હે અગર આપસ મે હમ આહંગી ના હો ડિસ્કોર્ડ હો ખાનદાનો મે કુંબો કે અફરાદ મે એક દુસરે કો બજા યે કે સપોર્ટ કે સહારા દિયા જાય ઉલટી લડાઈયા જો હે વો હર વક્ત રહેતી હૈ અગર ઘરો કે અંદર जराइम पेशा जो हैं लोग रहते हो तो ऐसा मुमकिन है अगर कोई और सैकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हों तो ये एग्रेसिव बिहेवियर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और ये भी देखने में आया है ख़ासकर मगरब में ही हमारे यहाँ इस मुल्क में तो ऐसा नहीं होता लेकिन मगरब में वो लड़कियाँ जो कि शादी के, के बग़ैर बच्चे पैदा करती हैं और उनके पास उनका मियाँ उनका खामन मौजूद नहीं होता तो सिंगल पेरेंटिंग या अनमेरिड मदर्स जिनके अंदर भी बच्चे जो हैं वो बहुत सारे एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं इसके साथ साथ बच्चे एग्रेशन को देख कर भी सीखते हैं यानी अगर मॉडल मौजूद है तो बच्चा जो है उसी तरह का बिहेवियर जो है वो शो करेगा मसलन टीवी जो है अगर उस पर अग्रेसिव फिल्म दिखाई जाएँ ऐसी जिसमें मार धाड़ और कत्ल वारत वगैरह होगी तो बच्चे छोटे बच्चे वो उसी चीज़ को सीख लेंगे और अपनी ज़िंदगी के अंदर उसी तरह से उस चीज़ को भर देंगे जैसा उन्होंने टीवी के ऊपर देखा एग्रेशन की एक बायोलॉजिकल वजह या, या यूं कहना चाहिए कि एक हयातियाती बल्कि यूं यूं कहना चाहिए कि निज़ाम असाबी की वजह जो है या ब्रेन की वजह जो है वो स्ट्रेस है स्ट्रेस का मतलब है दबाव दबाव किसी किस्म का हो सकता है नफसियाती दबाव हो सकता है जिस्मानी या फिज़िकल दबाव जो है वो हो सकता है अगर आप इस स्लाइड को देखें गौर से तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर कम अज़ कम चार दिमाग के ऐसे इलाके हैं कि जिनकी वजह से स्ट्रेस रिस्पांस जो है वो इंसानों के अंदर और जानवरों में भी पैदा हो सकता है इनमें से मसलन एक इलाका हाइपोथैलेमस कहलाता है जो जुड़ा हुआ है पटुअटरी ग्लैंड के साथ और हाइपोथैलेमस और पटुट्री ग्लैंड जो हैं वो एड्रीनल ग्लैंड के साथ मिले हुए तो ये तीनों इलाके हाइपथैलमस पटुट्री ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड मुख्तलिफ किस्म के हारमोन्स सिक्रीट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हारमोन्स हमारे खून में शामिल कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे ऊपर दबाव के वक्त इन हारमोन्स की मकदार जो है वो बढ़ जाती है जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस होता है तो तो इन हारमोन्स की ज़्यादती जो है वो बढ़ती चली जाती है इसके नतीजे में इंसान जो है वो माहौल के अंदर वाक़ात को और रंग में लेता है अगर आपके पास आपके ऊपर नफसियाती दबाव है बहुत ज़्यादा तो एक बात जो माहौल में कोई शख्स न्यूट्रली कह रहा है अमूमन लोग उसको नेगेटिवली लेते हैं और फिर गुस्से का इजहार या उलझाव का इज़हार जो है वो करते हैं यानी ये तो मिसाल आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने देखा कि अक्सर अवत हम आपस में बैठे हुए बातें करते हुए अगर सियासत की बात करें तो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ उलझने लग पड़ते हैं क्योंकि किसी एक का ख्याल किसी एक सियासी पार्टी के साथ होता है और किसी एक और का ख्याल किसी एक और सियासी पार्टी की वजह से होता है चूँकि ज़िंदगी के अंदर दबाव जो हैं वो और तरस के होते हैं मसला अगर आपके पास मुआशी जराए जो हैं महदूद हैं और आप कम पैसे कमा रहे हैं और आपके ऊपर ये मुशी दबाव जो है वो उसने स्ट्रेस जो है उसको बढ़ाया हुआ है तो बहस करने के दौरान आप अपने दोस्तों के साथ खामखा में उलझ पड़ेंगे दबाव किसी और चीज़ का था गुस्सा किसी और पे निकला तो ये उलझाव जो है दरअसल उन हारमोनस की वजह से है जो कि आप महसूस करते हैं इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से या स्ट्रेस की वजह से और उसका रिजल्टेंट इफ़ेक्ट जो होता है वो उस डिस्कशन में होना शुरू हो जाता है जो आप अपने दोस्तों के साथ सियासत पे या मजहब पे या और किसी नुक्ता नज़र के ऊपर आप कर रहे होते हैं सो ये ख्याल करना चाहिए कि आया आ, मेरे पे कोई ऐसा दबाव जो है वो मौजूद है और क्या मैं कुछ कर सकता हूँ उस दबाव को हटने के लिए अगर ये दबाव मुसलसल किसी शख्स पर रहे हर वक़्त और तनाव की सूरत जो है उस शख़्स के ऊपर रहे तो इंसान जो है वो उसमें ऐसा घिर जाता है कि उसका रवैया या उसका मिजाज या उसका सलूक हर वक्त वसील और उलझाव पजीर रहता है जिसके नतीजे में वो यकीन आइसोलेटेड महसूस करता है अलीदा हो जाता है और वो उस तरह से अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता जिस तरह से एक नॉर्मल आदमी गुजारता है इसके नतीजे में बहुत सारी अलामात जो हैं वो नज़र आती हैं मसला दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके साथ एसोसिएट हैं या को हैं अमूमन हम ये समझते हैं कि एग्रेसिव बिहेवियर के लिंक्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ हैं हमने ज़िमनन इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जिक्र किया ये हमारे असबी निज़ाम का वो हिस्सा है जो कि ख़ुद से खूब बे तौर पर ये आ, 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 अमल जो है वो पैदा करता है मसला दिल की धड़कन को तेज़ करता है खून की गर्दश को कंट्रोल करता है सांस या तनफस को आगे पीछे करता है ये सिस्टम उसी के लिए बना है तो सारे जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या आपको स्ट्रेस होता है तो वो उसकी कोई ना कोई सूरत जो है इन अलामात की ज़मन में आया हो जाती है और उसके पीछे चलने वाला निज़ाम जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसको मेजर करने के लिए बेशुमार तरीके जैसे स्किन कंडक्टेंस की जा सकती है आ, आ, आपके गिलवैनिक स्किन रिस्पांस जो है वो किया जा सकता है आपके दिल की धड़कन को मापा जा सकता है ब्लड प्रेशर लिया जा सकता है ये तमाम अमाम मेजरेबल है इनकी पैमाइश जो है वो की जा सकती है और किसी तौर से अगर फ़र्द को ये एहसास होना शुरू हो जाए कि उसके निज़ाम के अंदर तब्दीली जो है वो वाक़ हो रही है और किसी तरह से उसको ये शूर हो जाए तो उसके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाती है कि वो उलझाव से बचना शुरू कर देता है वो ऐसे काम करना छोड़ देता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गसील या उलझाव का बायस बने अमूमन अगर ये स्ट्रेस शुरू की जिंदगी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाए और किसी तौर से काबू ना आए तो बच्चों के अंदर ख़ास कर ये ये एग्रेशन जो है वो फिर तसलसल के साथ आगे को बढ़ता है और मुश्किल का बायस बनता है हम बहुत सारे हॉर्मोन्स और आप इन स्लाइड्स में देखेंगे खासकर ड्राइंग्स में हमने तमाम हार्मोन्स का नाम नहीं लिया लेकिन ये हार्मोन्स जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों को और किसी भी फ़र्द को किसी बड़े को भी उस पर असर करते हैं जिस वक्त वो आ, एग्रेसिव मोड में होता है या स्ट्रेसफुल मोड में होता है जिसका नतीजे में जिसके नतीजे में वो एग्रेसिव हो जाता है ये क्यों कर है कि बच्चे जो हैं वो आ, इस एग्रेसिव बिहेवियर में दाखिल हो जाते हैं हमने एक बात तो यकीन ये की कि माहौल का असर होता है फिर हमने ये भी देखा कि जिसम के अंदर आ, हमारा आसाबी नज़ाम जो है वो इसकी इसको इस एग्रेसिव बिहेवियर को बनाने में आ, कुछ हाथ इस उसका भी है आ, लेकिन इसके साथ साथ ख़ासकर माहौली एतबार से या समाजी एतबार से बच्चे जैसे बढ़ रहे होते हैं तो उनके अंदर आ, एक तनाव जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो तकरीबन दो साल से लेकर चार साल के बच्चे हैं ऐसे बच्चे जो हैं वो आ, अपनी खुद मुख्तारी और अपने माँ बाप की हुक्म आवरी के दरमियान एक कश्म कश्म से गुजर रहे होते हैं ये हर बच्चा जो है वो गुजरता है यानी वो जब इस इस बात का वो शौ रखता है या होशमंदी रखता है कि वो अपनी मर्जी करेगा और इसके साथ साथ उसको ये भी ख्याल करना पड़ता है कि उसको माँ बाप की भी बात माननी है या सुननी है तो इस तनाव में उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो पैदा होना शुरू होता है जिसके नतीजे में एन मुमकिन है कि बच्चा जो है ऐसी रविश इख्तियार कर ले कि जिसके अंदर उसके उसके अंदर हर वक्त ये उलझाओ का समा जो है वो बनता रहे और वो गसील या पैथोलॉजिकली एंग्री होना शुरू हो जाए ऐसी सूरत में बच्चे क्या करते हैं मसला बच्चे जो हैं वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और इसकी जो भयानक शक्ल है वो कंपल्सिव लाएंगे कि हर वक्त झूठ बोलते हैं जिसके नतीजे में ये होता है कि बड़े जानते हैं कि वो हर वक्त झूठ बोल रहा है वो इम्पलसिव हो जाते हैं बग़ैर सोचे समझे हरक़त और सकनात और अपनी चीज़ें करने लग पड़ते हैं जिसके नतीजे में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हादसा का शिकार होते हैं छोटे बच्चे गुस्से के अमल में अपने अपने आप को तकलीफ़ दे सकते हैं मसलन आ, ये देखने में आया कि, कि कुछ बच्चे जो हैं वो अपना सांस रोक लेते हैं ये दिखाने के लिए माँ बाप को कि जिसको तुम चाहते हो मैं उसी को मार दूंगा और अपना सांस जो है उसको पकड़ के रखूंगा तुम्हारे खिलाफ ये एक आ, 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 ये उलझाव की सूरत है कि मैं तुमसे उलझ रहा हूँ अपने आप को तकलीफ दे के डिफाइंस होती है झगड़ा होता है अपने माँ बाप के साथ फिर आ, टेंपर टेंट्रम्स होते हैं अमूमन दो साल के बच्चे जो हैं वो बिला वजह बगैर किसी किसी आ, सूरत से वो अपने माँ बाप के खिलाफ ग़ुस्से का इजहार करते हैं और ये छोटे दो साल के बच्चे अमूमन नॉन कंट्रोलेबल होते हैं इसलिए हम इनको टेरेबल टूज़ कहते हैं अमूमन ये देखने में आया है ख़ासकर मगरब में कि पचास फ़ीसद बच्चे जो प्री स्कूल में दाखिल होते हैं प्री स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों की उम्र जो है वो करीबन तीन से चार साल के दरमियान होती है और अम, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड के ऊपर ये बच्चे जाकर स्कूल काउंसलर से मिलते हैं क्योंकि इनकी एडजस्टमेंट स्कूल में हो नहीं हो रही होती या ये दूसरे बच्चों को तकलीफ़ दे रहे होते हैं या ये ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं जिसके नतीजे में जब इनकी ये वैल्यूएशन इनको किसी तरह से जांचा जाता है तो पता ये चलता है कि पचास फ़ीसद इन जो बच्चे होते हैं वो अमूमन किसी न किसी एग्रेसिव मोड में से गुजर रहे हैं या किसी न किसी स्ट्रेस में से गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर अग्रसिव मोड जो है वो तारी होता है जिस वक्त बच्चे स्कूल में चले जाते हैं और बड़े हो जाते हैं और इनकी उम्र जो है वो आप यूँ समझें कि छः सात साल से लेकर दस बारह साल तक के दरमियान में होती है तो एक और किस्म का तनाव इनकी ज़िंदगी में पैदा हो जाता है मसलन ये स्कूल में अचीव करना चाहते हैं आगे को बढ़ना चाहते हैं और पीयर प्रेशर होता है यानी ये अपने आप को अपने आप को मुमताज़ करना चाहते हैं ये दिखाने के लिए कि ये स्कूल में किसी न किसी तौर से कामयाब हैं एकेडमिकली uh, कामयाब हैं नंबर अच्छे आते हैं और साथ साथ ये तनाव उनका खिंचता है कि उनके दोस्त उनका मुकाबला करने के लिए मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर भी गुस्से के इम्कान जो हैं उनकी सूरत जो है वो बन सकती है ऐसी सूरत में या तो बच्चे किसी न किसी तौर तो से झूठ बोलने लगते हैं और कंपल्सिव लायर्स बन सकते हैं या वो बिल्कुल फैंटसी में आ, अपने ख़्वाब ख्याल में घुस जाते हैं क्योंकि उनसे वो अचीव नहीं होता तो वो अपने ख़याल में गुम रहते हैं या अवॉइड करते हैं और और किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करते सोशली जो है वो कांटेक्ट नहीं करते बहुत सारे बच्चे जो हैं जब एग्रेसव मोड में होते हैं तो वो ऐसी खेलें खेलते हैं जिनमें एग्रेशन का इजहार जो है वो हो सके ऐसी खेलें जिनके अंदर जिसम का और यानी फिज़िकली वो एक दूसरे के साथ टकराव कर सकें और लड़ सकें और लड़ने की कोई सूरत जो है वो होती है इसी सूरत से चोरी की आदत जो है वो पढ़ने का इम्कान है और कई दफ़ा जैसे कहते हैं ना कि बगज़ के लिए इंसान यानी गुस्से में आया हुआ है किसी के ऊपर गुस्सा है तो इंसान जो है वो क्या करता है कि उसको बज़ाहिर वो कुछ कह नहीं सकता लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा कर देता मसलन तो उसकी उसकी चीज़ चुरा लेता है तो उसकी चीज़ चुराने की जो वजह है वह दरअसल वो, वो गु़स्सा या वो उलझाऊ है जिससे कि वो उसको नुकसान पहुँचाना इसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चा वो आदत इख्तियार कर लेता है चोरी करने की और ये फिर यकीन कॉन्डक्ट डिसऑर्डर की एक यानी एक ऐसा ऐसा ऐसे ऐसी बीमारी सलूक की बीमारी पैदा हो जाती है उसके अंदर कि जिसके अंदर उसका सलूक जो है दूसरों के साथ तकरीब काराना हो जाता है इसके साथ साथ बच्चों के अंदर स्कूल के अंदर ट्रुएंसी से ये, ये वो बात है कि या तो बच्चे जो हैं अपने खाब ख्याल में रहें या बच्चे जो हैं वो अवॉइड करें दोनों सूरतों में बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि स्कूल ना जाए तो ट्रोनसी यानी स्कूल से भाग जाने की जो सूरत है वो एक और तरह की मुश्किल है जो कि कॉन्डक्ट बिहेवियर की सूरत में पैदा हो जाती है जब बच्चे बालग हो जाते हैं चौदह पंद्रह साल के हो जाते हैं और किसी कदर आ, समझ लेते हैं कि ये ये गुस्सा या इस तरह का आ, अमल या रद्द अमल जो है वो दरअसल उनके अपने लिए बुरा है और वो अपने पाँव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो कुछ समझ जो है वो इन बालग बच्चों को आनी शुरू हो जाती है और आ, कभी कभी आ, ऐसे भी होता है कि ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़ासतौर पे कॉन्डिक डिसऑर्डर जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तहलील हो जाता है डिज़ोल्व हो जाता है और उसकी ज़रूरत नहीं रहती लेकिन बहुत सारी सूरतों में ऐसा नहीं हो पाता और बच्चे जो हैं अपना एग्रेसिव बिहेवियर अपनी मेच्योर लाइफ के अंदर लेके चले जाते हैं अमुमन ये अमल एक तीसरे किस्म के तनाव के साथ पैदा होता है जिस वक्त बच्चा बालग होता है वो ये कि बच्चा जो है वो अपनी इनफरादी जात को तवज्जो देने लग पड़ता है वो फैमिली से कुछ ना कुछ सूरत से कटना शुरू हो जाता है वो चाहता है कि उसकी अपनी रिकग्निशन हो उसका अपना एक नाम हो उसकी अपना उसका अपनी एक मुमताज़ हैसियत हो अपने माहौल के अंदर और आ, फैमिली से सेपरेट होने की सूरत में जब वो ख़ुद मुमताज़ हो रहा होता है एक खास किस्म का तनाव जो है वो पैदा हो जाता है इस सूरत में अमूमा बच्चे जो हैं आ, बालक बच्चे जो हैं वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक़्त गुजारना पसंद करते हैं अपने माँ बाप के साथ वो वक्त गुजारना पसंद नहीं करते या उस घर में रहना नहीं चाहते क्योंकि उनको वैसी तवज्जो नहीं मिलती जैसी उनको माँ बाप से एक ज़माने में मिला करती थी या माँ बाप से एक एक ज़माने में दोस्ती हुआ करती थी इस उम्र के अंदर बालग उम्र के अंदर अमूमन इमोशंस और मूड्स जो हैं वो बड़े कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ स्विंग करते हैं पेंडुलम की तरह तो कभी खुशी के आ, के इमोशंस पैदा हो जाते हैं और कभी गमी के इमोशंस जो हैं उस बच्चे के ऊपर पैदा हो जाते हैं और इन, इन ये इतने टिपिकल मूड स्विंग्स हैं कि इसके अंदर आ, आप आसानी से बता सकते हैं कि किस वक्त बच्चे के पास रहना चाहिए और किस वक्त उसको अलहदा छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपने इमोशंस के साथ डील कर सके अक्सर अवकात ठीक और ना ठीक सूरतों को बच्चों की ये ये बालक बच्चे चौदह पंद्रह साल के बच्चे जो हैं ये जज नहीं ठीक करते कौन सी चीज़ अच्छी है उनके लिए और कौन सी चीज़ बुरी है उसके दरमियान फ़ैसला करने की सलाहियत अभी इनमें मौजूद नहीं होती और अक्सर अवत अपने जज्बात की रों में बहते हुए ये गलत फ़ैसले कर लेते हैं और उस रुख की तरफ निकल जाते हैं जो कि बाद में उनके लिए मुश्किल का बायस होता है या लड़ाई होती है या झगड़ा होता है या या किसी किस्म का ऐब जो है वो उनमें दाखिल हो जाता है जैसे चोरी चकारी या झूठ बोलना जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे मगरबी ममालिक में ऐसी सूरतें मौजूद हैं कि जहाँ पर आ, बच्चे जो हैं वो मबासरत में खुली मबासरत में मुबतला हो जाए जा, सेक्शुअल एक्टिविटी में मुबला जा हो जाते हैं जो कि उनको बाद में बहुत सारे नुकसान का बास बनती है उनके लिए हम तीन किस्म के बिहेवियर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे ये तीन बिहेवियर डिसऑर्डर्स इस तरह से हैं पहला डिसऑर्डर जो है वो अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है दूसरा डिसऑर्डर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है और तीसरा डिसऑर्डर डिसरपटि बिहेवियर डिसऑर्डर है और इनको हम ओ डी डी सी डी और बी डी बी के नाम से यानी इनके मखफ़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे मैं आ, इस इसवान में दोनों आ, नाम जो हैं वो आगे पीछे लेता रहूँगा कभी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर कहूँगा और कभी ओ डी डी कहूँगा आप अपने नोट्स में इनको देख लीजिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो अगर आप इस स्लाइड में देखें ऑपजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है उसको डी एस एम फोर टू थाउजेंड जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन करती है ये एक ऐसा मनफी रवैया है या सलूक है किसी भी बच्चे के अंदर जिसमें जो ये ये रवैया या ये सलूक या ये डिसऑर्डर जो है ये उस बच्चे के अंदर कमस कम अज़ कम छः महीने के लिए रहता है और चार खसूसियात का हामिल होता है आठ में से सो तो अगर ये मैं अभी आठ की आठ आपको भी बयान किए देता हूँ इन आठ में से अगर चार खसूसियात उस शख़्स में मौजूद हैं तो डी एस एम फोर टी आर के मुताबिक उस बच्चे को ओ डी डी या अपोज़िशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है वो है पहली खसूसियत ये कि वो अपना ग़ुस्सा जो है उस पर काबू नहीं पा सकता हल्की सी भी कोई बात होती है तो गुस्सा जो है वो बहना शुरू हो जाता है अमूमन बड़ों के साथ तकरार और मनाजरे में शामिल हो जाता है झगड़ा करता है झगड़ालू होता है अमूमन बड़ों को डिफाई करता है उनको गलत साबित करने की कोशिश करता है और जो असूल और कवानी बड़ों ने बनाए होते हैं उनको तोड़ता है यानी हत अल्वा कोशिश करता है कि उनको तोड़ता है जान के लोगों को तंग करता है अनोय करता, करता है दूसरों को ब्लेम करता है दूसरों को कसूरवार ठहराता है कि उनकी वजह से ये जो मुश्किल है वो आ गई है मिस्टेक हो गई है अमूमन बड़ी जल्दी टच ही हो जाता है अगर उसको कोई बात की जाए तो बहुत हसास अंदाज से उसको महसूस करता है और कहता है कि ये बात जो है फलां शख्स ने मेरे बारे में क्यों अमूमन रिजेंटफुल रहता है बोझ रखता है दूसरों के ख़िलाफ़ और एंग्री होता है और वसील होता है और स्पाइटफुल और विंडिक्टिव होता है और दूसरे के लिए अपने दिल में मनफी जज्बात जो हैं उनको रखता है और मौके की तलाश में रहता है कि वो किस तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचा सके अगर अपोजिशनल डिफाइंड डिसआर्डर को आ, किसी कदर गौर से देखा जाए तो मालूम ये होता है कि बच्चों की पापुलेशन में अगर बच्चों को आमतौर पर ले जाए तो तकरीबन दो से सोलह फ़ीसद बच्चे जो हैं इस मर्ज़ में मुबतला नजर आते हैं यानी कुछ कुछ इलाकों में कम और कुछ इलाक़ों में ज़्यादा ऐसा होता है अमूम बलूगत से पहले लड़कों के अंदर ये डिसऑर्डर या ये तकलीफ़ या ये बीमारी जो है ज़्यादा होती है लड़कियों की नस्बत लेकिन बलूगत के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी जो है वो होनी शुरू हो जाती है इस बीमारी का आ, की शुरुआत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता है मगर ये जोर पकड़ लेती है बलूगत तक और बच्चे जो हैं इस ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर में आ, अपने माँ बाप के और अपने कुनबे के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनते हैं जो कि अमूमन बलोगत के बाद ज़रा सा कम हो जाता है कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ माहरीन का ये ख्याल है कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर जो है वो पहली कड़ी है कॉन्ड्रक डिसऑर्डर की सो कॉन्ड्रक डिसऑर्डर्स जो, जो हैं वो उस सूरत में होते हैं अगर बच्चे को पहले अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स जो हैं वो हों इसका इलाज क्या है अमूमन ये कहा जाता है कि वो वालदे में से वो वालद या वालदा जो बच्चे के करीब तरीना और ममूमन वालदा जो होती हैं वो करीब होती हैं उनको बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने में थेरेपी दी जाती है बजाय इसके कि बच्चों को थेरेपी दी जाए माँ को थेरेपी दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे को उन आदात से उन मनफी आदात से दूर रखे या किसी तरह से उसमें चेंज लेके आए कि जिसकी वजह से बच्चा आ, आ, इस अपोज़िशनल आप, डिफाइंड डिसऑर्डर में मुबतला होता है फिर यकीन बच्चे को भी थेरेपी दी जाती है और बच्चे को अमूमन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किसी न किसी मोड में दी जाती है ताकि बिहेवियरली ये बिहेवियर्स जो हैं जो नेगेटिव बिहेवियर्स हैं बच्चे में से वो उनको निकाल दिया जाए और फिर आखिर में अमूमन फ़ैमिली थेरेपी का सहारा भी लिया जाता है जिसमें ना सिर्फ बच्चे को या माँ को बल्कि पूरे कुनबे को थेरेपी दी जाती है ताकि वो उस बच्चे को एक ऐसा माहौल दें जिसके अंदर मुस्बत बिहेवियर्स जो हैं वो पैदा हो सकें और मनफी बिहेवियर्स जाते रहें इसके बाद कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इंसान का जो रवैया है या उसका बर्ताव है दूसरे लोगों से उसके अंदर मनफी एलिमेंट्स जो हैं वो पैदा होने शुरू होते हैं और डी एस एम फोर टी आर के मुताबिक ये एक ऐसा बहेवियर पैटर्न है जो कि बार 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 बच्चा अदा करता रहता है और अमूमाश के बनाए हुए कायदे कदरें उनको तोड़ता रहता है जो चीज़ मुआरे के अकदार के मुताबिक होती है उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जिसकी सूरत में वो लोगों का नुकसान कर देता है अमूमा एक क्राइटीरिया जो डी एस एम फोर टी आर ने तय जिसका किया है उसकी लंबी फहरिस्तः पंद्रह के करीब खसूसियात हैं अगर इन पंद्रह खसूसियात में से तीन खसूसियात गालबन छः महीने से लेकर बारह महीने तक मौजूद हों किसी बच्चे में तो हम उसको कहते हैं कि वो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर से सफ़र करता है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर की बहुत सारी किस्में हैं मसलन झूठ बोलना चोरी करना दगा करना किसी के साथ बोगज़ रखना किसी के ख़िलाफ़ ये तमाम सूरतें जो हैं कॉन्ड्रेट डिसडर्स की मौजूद हैं वो पंद्रह खसूसियात जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था उनको चार हिस्सों पर बांटा गया है और वो पंद्रह खसूसियात जो हैं इन चार हिस्सों पर कुछ इस तरह से हैं एग्रेशन टूवर्ड्स पीपल एंड एन एनिमल लोगों के साथ उलझाव में मुलविस हो जाना या जानवरों के साथ उलझाव में मुलविस हो जाना कॉन्डक्ट डिसऑर्डर की एक निशानी है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी माल का तोड़ फोड़ जो है या उसकी डिस्ट्रप्शन जो है वो एक एलिमेंट है डिसीटफुल होना दूसरे को धोखा देना और थेफ्ट चोरी करना और इसके अलावा सीरियस वायलेश रूल के जो कि लॉ के वायलेशन्स भी होते हैं अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो जराइम पेशा करार दिए जाते हैं गोकि उनकी उनको डिलिंकुन जूविनल डिलिंकुन माना जाता है क्योंकि वो अमूमन बलूगत पर नहीं पहुँचे हुए होते और उम्र में छोटे होते हैं लेकिन उनका रवैया या किरदार जो है वो बड़े जराम पेशा यानी बालग जराम पेशा से किसी कदर मुख्तलिफ जो है वो नहीं होता और ये मुश्किल जो है आ, बनती है उन बच्चों के लिए कई दफ़ा उनको जेल में जाना पड़ता है आ, जिसकी जिसके नतीजे में और बुरे असरात जो हैं उन पर मुरतब होते हैं अगर हम कॉन्डक्ट डिसऑर्डर को बचपन में देखें तो अमूमन ये डिसऑर्डर्स दस साल की उम्र से पहले होते हैं लड़कों में ज़्यादा होते हैं लड़कियों में कम होते हैं इसमें अमूमा फ़िज़िकल एग्रेशन जो है वो नज़र आता है यानी मार धाड़ एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना नुकसान पहुंचाना जिस्मानी तौर पर खासकर लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा नजर आता है अमूमन ऐसे लोगों के अपने दोस्तों से ताल्लुकात जो हैं पियर्स के साथ वो दोस्ताना नहीं रहते उनके अंदर हमेशा तनाव और स्ट्रेस जो है वो मौजूद रहता है अमूमन बच्चे जो हैं अपोज़िशनल डिफाइंड डिसऑर्डर शुरू में पैदा करते हैं और उसके नतीजे में फिर ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं ये बीमारी देखा गया है कि आम तौर पर ए के साथ इसके अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो होती है। सोशल इंटरेक्शन की डिफिकल्टीज होती कम्युनिकेशन की डिफिकल्टीज होती हैं बिहेवियरल रिस्पॉन्स या मोटर एक्टिविटी की डिफ़िकल्टीज जो हैं इसके साथ शामिल होती हैं जब ये डिसऑर्डर कॉन्ट्रेट डिसऑर्डर बलूगत के बाद हो यानी दस साल के बाद पैदा हो तो इसमें अमूमन फिज़िकल एग्रेशन जो है वो कम होता है यानी मार धार लड़ाई झगड़ा जो है अमूमा कम होता है होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दोस्तों के साथ ताल्लुक भी कदर नॉर्मल होते हैं क्योंकि वो बालग बच्चा जो है वो ये जानता है कि अगर वो झगड़ेगा अपने ही दोस्तों के साथ तो वो उसके साथ नहीं रहेंगे उससे दूर चले जाएंगे जिसके नतीजे में उसका ही नुकसान जो है वो हो जाएगा और कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्ज अमूमन आ, आ, अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत ना पड़े और माइल्ड उसकी इनकी शिद्दत जो है इतनी ज़्यादा ना हो तो ख़ुद ब खुद, खुद आहिस्ता आहिस्ता मंदमिल ख़त्म हो जाते हैं और बच्चा जो है उन कॉन्डक्ट डिसऑर्डर से निकल जाता है लेकिन अगर किसी तौर से ये कॉन्डक्ट डिसडर्स प्रसिस्ट करें तो फिर ये पुख्ता होते चले जाते हैं और बावजूद इसके कि बच्चा जो है बलूगुत से आगे निकल जाता है और मेचोर इंसान बनता है वो मुश्किल जो हैं उसके साथ देर तक रहती हैं ऐसी बीमारियाँ है जैसे क्लेप्टोमेनिया है जिसके अंदर इंसान जाके बेमानी तौर पर चीज़ों को चुराता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती दरअसल बुनियादी तौर पर कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर्स की बुनियाद पर यह बीमारी जो है तश्कील पाती है क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से ये कॉन्ट्रेट डिसऑर्डर्स फैलते हैं अमूमन देखने में आया है कि ऐसी बीमारियाँ ऐसे कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर्स अर्बन इलाकों में शहरी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं रूरल इलाकों की नस्बत लड़कों में तकरीबन छः से सोलह फ़ीसद ये ये बीमारी जो है पाई जाती है लड़कियों में दो से नौ फीसद ये बीमारी पाई जाती है इस कॉन्डक्ट डिसऑर्डर के नतीजे में बहुत सारी मुश्किल बच्चों के लिए ख़ास कर पैदा हो सकती है मसलन ख़ुदकशी का अमल है यानी अगर अगर एग्रेशन या ग़ुस्सा चढ़ा हुआ है किसी शख्स के ऊपर और किसी तरह से बस नहीं चल रहा उस गुस्से को निकालने के तो उसका नतीजा ये होता है कि वो गुस्सा जो है वो अपनी तरफ ही डायरेक्ट हो जाता है और उस गुस्से की डायरेक्शन की वजह से इंसान अपने आप को मारने के लिए तुल जाता है या वो किसी और को मारने के लिए तुल जाता है दोनों सूरतों में नुकसान जो है उस शख़्स का हो जाता है आ, लड़के अमूमन हादसा का शिकार होते हैं गुस्से में तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से सड़क पे हादसे का हो जाना मुमकिन होता है गुस्सा एक ऐसी सूरत है जिसको कंट्रोल करना बिल्कुल ज़रूरी है और अगर इस गुस्से को कंट्रोल ना किया जाए तो इसके बहुत बड़े नतज जो है, वो पैदा होते हैं आ, आ, वो लोग जो मनशियात का इस्तेमाल करते हैं गुस्से की सूरत में मनियात का का डोस जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं जिसके नतीजे में आ, वो अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं यह देखने में आया है कि वो बच्चे जो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं अमूमन ज़हानत में कम होते हैं उनके अंदर इंटेलिजेंस की कमी होती है और पर्टिकुलरली खास तौर पे वर्बल आई क्यू जो है उनका कम होता है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर बहुत सारे और डिसऑर्डर्स के साथ को कोज़िस्ट करता है यानी ये सिर्फ कॉन्डक्ट डिसऑर्डर अकेला ही नहीं होता एक, एक बच्चे के अंदर बल्कि उसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं एक साथ ही एग्जिस्ट कर सकती हैं मसलन वो बच्चे जिनको कॉन्डक्ट डिसऑर्डर है अमूमा तीस से पचास फ़ीसद बच्चे उनमें से ए से भी सफ़र कर रहे होते हैं या उनको लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं 10 से 90 फ़ीसद या उनको किसी किस्म की एंगजाइटी डिसऑर्डर होता है 15 से 24 फ़ीसद या वो डिप्रेसिव होते हैं 15 से 24 फ़ीसद या वो किसी मनशियात में मुलवस होते हैं ग्रेटर देन 80 परसेंट और ये बीमारियां जो हैं ये चलती चली जाती हैं और मुख्तलफ़रतों में कॉन्टक्ट डिसडर्स के साथ जो कि और ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल का बास बनती वो कौन कौन से ऐसे ख़तरनाक फैक्टर्स हैं रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से ये कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स बच्चों के अंदर आ, किसी न किसी तौर से घुस जाते हैं मसला ये देखने में आया है कि अगर माँ बाप जो हैं बच्चों को रिजेक्ट करें या उनको निगलेक्ट करें तो दोनों सूरतों में बच्चे जो हैं उनको कॉन्डक्ट डिसऑर्डर जो है वो हो सकता है कभी कभी आ, बच्चों का अपना ज़ाती टम्परमेंट मिजाज जो है वो उनको इस कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर में धकेल देता है या उस उसकी तरफ इसका रुख कर देता है अगर चाइल्ड रेडिंग प्रैक्टिस जो हैं वो इनकन्स्टेंट हों कभी डांट दिया कभी प्यार से दिया तो अगर इनकसस्टेंटली पनिशमेंट या प्यार जो है वो मिलता रहेगा तो बच्चे की जो समत है उस वो उसका तयन नहीं हो सकेगा और उसको पता नहीं चलेगा कि वो क्या करना चाहता है अगर जिसमानी या जिनसी स्ट्रेस बच्चे के ऊपर हो किसी तरह से या उनकी एब्यूज़ किया जाए तो भी ये आ, बीमारी जो है पैदा हो सकती है लैक ऑफ सुपरविज़न हो आ, कोई नगहदाश्त करने वाला ना हो कोई देखभाल करने वाला ना हो तो उस वजह से भी इम्कान है कि ये एक खतरे का आंसर है जो कि बच्चे को कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर में मुबला कर देगा अगर केयरगिवर्स नगहदाश्त देने वाले खासकर ये मगरबी ममालिक में होता है कि बच्चों को डे केयर सेंटर्स में छोड़ दिया जाता है और फिर एक डे केयर सेंटर से दूसरे डे केयर सेंटर में अगर छोड़ा जाए तो नगेदाश्त करने वाला जो बच्चे को जब तब्दील होता है तो उसके उसके नतीजे में भी ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा हो सकते हैं लार्ज फैमिली साइज़ हो तो भी ये मुमकिन है कि ऐसा बिहेवियर जो है बच्चों के अंदर पैदा हो सके और माँ के अंदर शराब पीने की और तम्बाकू नोशी की खासकर प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये कैफियत मौजूद हो तो उनके अंदर वो कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स के पैदा हो जाने का इम्कान होता है जब बच्चे जरा से बड़े होते हैं उनके अंदर ये ख्याल पैदा होता है कि उनके दोस्तों और वो दोस्तों के साथ उठें बैठें और उनके साथ बातें करें और खुश हों तो अगर पीयर्स से अगर दोस्तों से रिजेक्शन मिले तो भी मुश्किल पड़ जाती है और बच्चे जो हैं वो उस रिजेक्शन के नतीजे में कॉन्टेक्ट uh, डिसऑर्डर्स में मुलव हो सकते हैं uh, अगर uh, दोस्ती डिलंक्वेंड हों अगर दोस्ती क्रिमिनल माइंडेड हों या जराइम पेशा हों तो ये डिसऑर्डर जो है बढ़ने का इसका इम्कान और कवी हो जाता है और अगर uh, हमसायों में वायलेंस या उनके अंदर एग्रेशन जो है मौजूद हो तो यकीन बच्चे जो हैं ऐसे इलाके ऐसे नेबर हो जहाँ पर वायलेंस जो है बच्चे अपनी आँखों से देखें तो वो एक तरह से उनके लिए मिसाल या मॉडल बन जाता है जिसके नतीजे में बच्चे जो हैं उस कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर को सीख सकते हैं आखिर मैं ये कहता चलूँ कि सिर्फ माहौल के फैक्टर्स ही नहीं बल्कि अगर ख़ानदान में पहले से ऐसी पैथोलॉजी मौजूद है यानी माँ बाप में या बाप दादा में या भाइयों में या चचों में तायों में मामू में किसी में भी अगर कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर मौजूद है तो विरासत में भी ये बीमारी जो है ट्रैवल करके बच्चे के अंदर दाखिल हो सकती है क्या तरीक़ेकार है या क्या इलाज की सूरतें हैं जो कि कॉन्डक्ट डिसऑर्डर को कम कर सकती हैं तो हम ये जानते हैं कि सबसे इम्पॉटेंट चीज़ इस जमन में प्रेंटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग है यानी माँ बाप को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि जिससे वो अपने बच्चों को मुसबत तरबियत दे सकें उन बुरी आदात से रोक सकें जो कि उस उन बच्चों के अंदर पैदा होनी शुरू हो गई कोशिश करें कि वो खुद से कोसिव हों फैमिली को हीसिव हो और अपने बच्चों को किसी न किसी तरह से आ, किसी न किसी सूरत से मदद फराहम कर सके ताकि बच्चे जो हैं वो इस बुरे बर्ताव के बिहेवियर में से निकल सकें बच्चों को अमूमन ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि वो अपने मसाइल का हल खुद तलाश करें और जो भी मसाल हैं उनको दिए गए हैं उनको किसी मुसबत अंदाज़ में ठीक करने की कोशिश करें जिसकी जिसके नतीजे में एक ट्रेनिंग मिल जाती है बच्चे को कि वो ऐसी डगर पर निकल पड़ता है जिसमें कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर्स ख़ुद ब खुद, खुद, खुद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं अमूमन स्कूल बेस्ड और पीयर बेस्ड इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन जो हैं यहाँ तो नहीं मगर कम अज़ कम वेस्ट में मौजूद हैं मैं ये कह सकता हूँ कि किसी न किसी तौर से इनफॉर्मली पियर्स दोस्त जो हैं वो सेफ गार्ड करते हैं अपने दोस्तों का कि वो कॉन्ड्रक डिसऑर्डर्स जो हैं वो उनसे बचे रहें सो तो अगर आपके दोस्त जो हैं वो अच्छे हैं और किसी न किसी तरह से आपको आ, किसी न किसी मिसाल के ज़रिए से आपको वो अच्छे बिहेवियर की तरफ रागब करते हैं तो इम्कान है कि बच्चा जो है वो उस तरफ को चल निकलेगा और उसका रुख जो है कॉन्ड्रक डिसऑर्डर्स के अंदर फंसने नहीं लगा और वो बच्चा सही हो जाएगा कम्युनिटीज़ बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं अगर कम्युनिटीज़ वाइब्रेंट हों अगर आपके इलाके में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है कोई ऐसा काम हो रहा है जिसके अंदर आप शामिल हो के किसी ना किसी तौर से कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो आपके अंदर वैसे नेगेटिव ख्याल जो हैं वो मुमकिन नहीं होते या नहीं बन पाते जिसकी वजह से बेहतरी की तरफ बच्चे जो है और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमूमन बच्चों के अंदर अगर कॉन्टेक्ट डिसऑर्डर शुरू की ज़िंदगी में नजर आता हो या एक ये हिंट ही हो जाए कि बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर पैदा हो रहा है तो पहले थेरेपी देना बहुत बेहतर है लेटर थेरेपी देने से क्योंकि अगर बच्चे को शुरू में कोई इंटरवेंशन मिल जाए या कोई थेरेपी मिल जाए या किसी किस्म का इलाज की कोई सहूलत फराम हो तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं जल्दी अर्ली एज में ख़त्म हो जाते हैं और बड़े होने पर ये डिसऑर्डर जो हैं वो रहते नहीं हमने आज बात की एग्रेशन की दरअसल एग्रेशन जो है इन बहुत सारी बीमारियों का जिनके अंदर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स या आ, दूसरे बिहेवियर डिस डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर्स जो हैं वो वो शामिल हैं ये तमाम के तमाम बिहेवियर्स बुनियादी तौर पर एग्रेशन से मिलकर बनते हैं और एग्रेशन को हमने देखा कि इसकी सूरत जो है वो स्ट्रेस बेस्ड हो सकती है यानी किसी भी दबाव की वजह से ये कैफियत जो है बच्चों के अंदर पैदा हो सकती है अगर ज़्यादा देर तक स्ट्रेस रहेगा तो यकीन उसका नतीजा किसी न किसी सूरत से एग्रेसिवली निकल आएगा और उसके नतीजे में हमारे बच्चों के अंदर या किसी भी बच्चे के अंदर ये डिसऑर्डर्स जो हैं खुद से पैदा होने शुरू हो जाएंगे अमूमन ये बात माहरीन हमें बताते हैं कि आ, अगर द, आ, एग्रेशन जो है वो सूरत का है साइकोलॉजिकल किस्म का प्रेशर है तो उसके नतीजे में जो एग्रेशन पैदा होता है उसकी बहुत सारी किस्में जो हैं वो हो सकती हैं मसलन ऐ, ऐसी किस्में भी होती हैं एग्रेशन की कि जिसके अंदर बच्चा जो है वो ज़बानी या जिस्मानी तौर पर एग्रेशन का बयान नहीं करता मगर दिल में बुगज़ रखता है और दिल में बुग़ रखने वाला जो है अगर ख़ास तौर पर जिसमानी तौर पर कमज़ोर हो तो उसका बिहेवियर या उसका अमल या अमल जो है इस तरह का होता है कि वह जब दूसरों को नुकसान पहुँचाता है तो वो उसकी नौीयत बिल्कुल मुख्तलफ होती है इस बात से कि अगर वो जिसमानी तौर पर स्ट्रांग हो और अगर जिसमानी तौर पर स्ट्रांग होता है तो वो किसी को जिसमानी तौर पर एग्रेसवली जद कर सकता है मार सकता है या नुकसान पहुँचा सकता है So, दो किस्म की स्ट्रेसेस के बारे में आज हमने बात की एक तो नफ्सियाती स्ट्रेस है और एक हमारे पे स्ट्रेस जो है फिज़िकल नेचर की है एक स्ट्रेस जिसके बारे में हमने आज उस तरह से बात नहीं की लेकिन ज़मनन उसके बारे में थोड़ी सी बात की है वो मुआशी स्ट्रेस है उन तमाम मुल्कों में जहाँ पर बड़े बड़े शहर आबाद हैं वहाँ पर मुशी स्ट्रेस जो है या मुआशी दबाव जो है लोगों पर बहुत ज़्यादा है लोग जो हैं वो पैसों की वजह से आ, और चीज़ों की आ, तलब की वजह से या चीज़ों की ज़्यादती की वजह से मुश्किल में घिरे हुए और चूँकि वो मुश्किल में घिरे हुए हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है जिसके नतीजे में ये होता है कि जो 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 अफराद हैं वो किसी न किसी सूरत से नेगेटिवली उस एग्रेशन को आगे को लेके चलते हैं सो सो फिज़िकल स्ट्रेस हो गई साइकलॉजिकल स्ट्रेस हो गई इकनॉमिक स्ट्रेस हो गई इसके साथ साथ अगर माशरती स्ट्रेस या सो या सोशल या, स्ट्रेस भी मौजूद हो तो इन तमाम स्ट्रेस के नतीजे में फ़र्द के ऊपर एक ऐसा दबाव पड़ जाता है कि जिसके नतीजे में एक एक चीज़ जो जो नज़र आती है वो एग्रेशन है एक सूरत में तो ये हो सकता है कि बच्चा बन जो बच्चा है वो आइसोलेट हो जाए वो वो कहे कि मैं इन चीज़ों से किसी तौर से लड़ नहीं सकता इनके इन इनका मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अपने आप को कोलहदा कर लूँ लेकिन दूसरी सूरत में बच्चा जो है वो उस सवाल का या उस मुश्किल का हल तो पेश नहीं कर सकता लेकिन वो कम से कम ये कर सकता है कि वो लड़ सकता है और वो एक तरह से उसका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है जिसके नतीजे के अंदर वो झगड़ा करके दूसरों को नुकसान पहुंचा के किसी न किसी तरह से अपने अंदर सेट्सफैक्शन लेने की कोशिश करता है ये बिहेवियर डिसऑर्डर्स जिनकी आज हमने बात की आ, हम ये जानते हैं कि ऐसे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं या बड़े होते हैं तो इनको जिंदगी में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है मसलन ये कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से ए, एक ही काम को वो अपनी ज़िंदगी में बार बार नहीं दोहरा सकते क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते उन वो कंसिस्टेंटली एक जॉब नहीं कर सकते वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं उनके लिए शिकायतों के अंबार लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ और तुम्हारी वजह से ये हुआ वो वो दूसरों के लिए मनफी जज्बात रखते हैं दिल के अंदर ऐसे ख्याल रखते हैं जिनसे वो दूसरों के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं दरअसल वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और ये मुश्किल जो है उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर से चलती चली जाती है और अगर इसका सद्देब ना किया जाए यानी इसका इलाज अर्ली लाइफ में ना किया जाए तो ये बिहेवियर्स या ये आमाल या सलूक या या उनकी उनके उनके तरीक़ाकार ज़िंदगी के किसी न किसी तौर से बाली जिंदगी में पुख्ता हो जाते हैं और जब वो पुख्ता हो जाते हैं तो फिर आ, कोई भी थेरेपी जो है उसके उस उनको आ, उस मुश्किल में से निकालती नहीं और नतीजतन ये होता है कि अगर उनके हाँ औलाद हो तो उनमें भी इस चीज़ को किसी न किसी तौर पर इनफॉर्मली राइज कर दिया जाता है और उनके बच्चे भी इस मुश्किल का शिकार जो है वो हो जाते वो माशरे जिनके अंदर कोशिश की जाती है कि उनके अफराद जो हैं वो वाइब्रंट रहें वो प्रोडक्टिव रहें वो एक दूसरे का ख़याल रखते हों तो ऐसी सूरत में बच्चे ऐसे वाइब्रेंट मुआरों में बहुत आगे को निकल जाते हैं पॉजिटिव आउटलुक होती है उनकी ज़िंदगी के अंदर वो ख़ुशी खुशी कामों को करते हैं एक दूसरे के साथ एग्रेसिव नहीं होते एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं और इन कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स के से बचे रहते हैं और हमने आज जो बिहेवियर्स देखे वो तीन किस्म के थे और उनमें से हमने दो के बारे में बहुत तफसील से बात की एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स हैं जो कि अमूमन अर्ली चाइल्डहुड में हो जाते हैं अवाइल बचपन में ये बीमारी जो है लाक होती है जिसके अंदर बच्चा जो है झूठ बोलता है चोरी चिकारी करता है दांत काटता है अपना सांस रोक लेता है वगैरह वगैरह और इस ऑपोजिशनल डिफाइंड और अमूमन अपने माँ बाप के खिलाफ आर्ग्यूमेंटेटिव होता है और, और असूलों को और रूल्स को और घर के तौर तरीके को तोड़ने की कोशिश करता है इस ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के बाद बच्चे के अंदर कॉन्डक्ट डिसऑर्डर जो है उसके पैदा होने का इम्कान होता है जिसके अंदर वो झूठ बोल सकता है चोरी कर सकता है बोगज़ रख सकता है वगैरह वगैरह ये बीमारियाँ अमूमन अमूमन बालग बच्चों में आहिस्ता आहस्ता कम होनी शुरू हो जाती हैं और फिर जब वो बालग हो जाते हैं मुकम्मल तौर पर तो बिल्कुल नापैद हो जाती हैं लेकिन अगर किसी तौर से ये बीमारियाँ किसी भी तरह से पुख्ता हो जाए तो फिर इनको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो होती है हमने ना सिर्फ इन बीमारियों की अलामत को देखा बल्कि हमने उन रिस्क फैक्टर्स की भी तशरी की कि जिनकी वजह से ये बीमारियाँ मुमकिन हैं हमने उन सिम्टम्स को भी देखा उन को भी देखा कि जो इन बीमारियों को आइडेंटिफाई करते हैं और आखिर में हमने उन थेरेपी या इलाज के तरीक़ों के ऊपर भी थोड़ा सा गौर किया कि जिनकी वजह से हम इन बीमारियों को इन कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स को या इन इन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं और हम समझते हैं कि लर्निंग और कॉग्निटिव तरीक़ों से या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के तरीकों से इन बिहेवियर्स के अंदर ख़ातर खा कमी जो है वो पैदा की जा सकती है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये बिहेवियर्स चूँकि माहौल से या समाज से हम सीखते हैं इंटरवेंशन भी एक सिखाने का तरीका है जो इसको डी लर्न करने में हमारी मदद देता है हम इस इसमान को इस उनवान को अब यहाँ खत्म किए देते हैं एक अगले उनवान के साथ आपके साथ फिर शामिल होंगे तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए